मूवी स्टार्ट होती है और हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं मैसेज पर, और वो कह रहे होते हैं कि हंट की डेट करीब आ रही है। उसमें एक मेन बॉस दिखाई गई है जिसका नाम एथेना होता है। वो कहती है कि हंट की डेट करीब आ रही है और लोगों का शिकार करने से अच्छा और कोई बात नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ पर लोगों का, यानी कि इंसान की शिकार करने की बात हो रही थी। उसके बाद एथेना का एक सीक्रेट लोकेशन होता है जहाँ उसके ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। वहाँ एक ग्रुप का मेंबर आता है, वो बहुत घबराया हुआ होता है और उसे पता नहीं होता कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। ग्रुप का एक आदमी उसके पास जाता है और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है, पर वो रिलैक्स नहीं हो पाता तो वो उसे ज़मीन पर लेटा देता है और उसके गर्दन पे एक पेन घुसा देता है जिससे बहुत खून बहता है। फिर भी वो आदमी उठता है और ख़ुद को सेव करने की कोशिश करता है। फिर इन लोगों की शोर की वजह से वहाँ एथेना खुद आती है और वो अपने पैर में से सैंडल निकाल के हील उसके आँख में घुसा देती है। आगे हम देखते हैं कि एक लड़की को वहाँ पर लेटाया हुआ होता है और उसका मुंह बेल्ट से बांध दिया होता है। जब उसकी आँख खुलती है वो यहाँ वहाँ देखती है और बेल्ट निकालने की कोशिश करती है। इधर उधर देखने के बाद उसे पता चलता है कि उसके जैसे और भी कैदी वहाँ पर छोड़े गए हैं और वहाँ पर एक ओपन एरिया ग्राउंड रहता है। वहाँ सब कैदी अपनी अपनी हालत ठीक करने के लिए घूम रहे होते हैं। वहाँ एक बड़ा सा वुडन बॉक्स रहता है, उसे एक कैदी खोलता है, उसमें से एक पिग निकलता है बाहर और वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे हथियार हैं जो सब कैदी ले लेते हैं और एक दूसरे को खोलने में मदद करते हैं। और वहाँ अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है और सबसे पहले वो लड़की ही मरती है। उसके बाद एक लड़का सबको बचाने में लगा रहता है। वो लड़का नोटिस करता है कि फायरिंग बहुत दूर से चल रही है और ये फायरिंग एथेना के ग्रुप के मेंबर्स ही कर रहे होते हैं। वहाँ एक बॉक्स में एक लड़की छिप जाती है और फिर अचानक से बाहर निकल के दौड़ने लगती है। उसे वो गोली लग जाती है और वो स्पाइक्स पे गिर जाती है। वो लड़का उसे उठाता है और जंगल की तरफ दोनों भागते हैं। फिर वो देखता है कि उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ा है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। वो आदमी उसी समय मर जाता है, पर वो लड़की फिर से उस स्पाइक पर गिर जाती है। एक आदमी फिर से उस लड़की की मदद करने आता है पर वो लड़की उसे इनकार करती है क्योंकि उसका निचला भाग पूरा ब्लास्ट में निकल जाता है। वो उस आदमी से गन छीन लेती है और खुद को शूट करके मर जाती है। फिर वो आदमी जंगल की तरफ भागता है जहाँ उन सब लोगों को, जितने भी रिमेनिंग कैदी है जो बचे हुए होते हैं, उन सब लोगों को तार की फेंसिंग नज़र आती है। वो सब वो तार की फेंसिंग को लांग के आगे बढ़ते हैं पर एक आदमी पीछे ही रह जाता है। उस पर एरोज की बारिश हो जाती है। फिर वो पीछे की तरफ मुड़कर उन एरोज मारने वालों को शूट करने की कोशिश करता है पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि वो एरोज की बारिश बहुत ज़ोर से करने स्टार्ट कर देते हैं जिससे वो मर जाता है। उसकी तरफ एक बॉम्ब उड़ता हुआ आता है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। फिर ये तीनों सर्वाइवल एक शॉप में जाते हैं। उन तीनों सर्वाइवल में से एक की उन ओनर से बहस हो जाती है। वो ओनर्स एक आदमी और एक औरत होते हैं, उन पर वो उनका शक होता है। फिर वो लड़की जो सर्वाइवल में से एक होती है वो वहाँ का फूड खा लेती है जो पॉइजनस होता है और वहीं पे मर जाती है। फिर वो दोनों शॉप ओनर्स मास्क पहन लेते हैं और पॉइजन गैस छोड़ देते हैं जिसकी वजह से जो रिमेनिंग दो सर्वाइवर्स उनकी भी वहां पे मौत हो जाती है। ये तो बात तय है कि वो भी एथेना के ग्रुप के ही मेंबर थे। वो अपने स्टोर से सारी डेड बॉडी हटा देते हैं और अपना स्टोर क्लीन कर देते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि वहाँ पे कुछ ना ही हुआ हो और वो अपने अगले शिकार के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ एक क्रिस्टल नाम की लड़की शॉप में आती है। यह मूवी की मेन कैरेक्टर है। वो उनसे पूछती है कि वो किस जगह पर है। उसके बाद वो वहाँ पे सिगरेट भी लेती है। ऐसे देने के बाद जब उसे चेंज मिलती है तब उसे डाउट होता है और वो गन निकाल के दोनों को भी मार देती है। क्रिस्टल शॉप से बाहर आती है और वो देखती है कि ट्रक पे नंबर प्लेट, और वो नंबर प्लेट निकाल के देखती है तो उसके पीछे और भी एक नंबर प्लेट होती है। उससे उसे पता चलता है कि उसकी जो लोकेशन बताई गई थी वो गलत थी, वो किसी और ही लोकेशन पे है। वहीं पे उस ट्रक के अंदर उसे कुछ वायर्स कनेक्टेड मिलते हैं जो कि बॉम्ब से कनेक्टेड होते हैं। फिर वो सोचती है कि ये कुछ डेंजरस लोकेशन है। फिर वहाँ एक गैरी नाम का आदमी आता है जिसके पास भी एक गन होती है। वह क्रिस्टल उससे कहती है कि ये ट्रक
ब्लास्ट हो सकता है। फिर वो दोनों चलते चलते रेल पटरी के पास आ जाते हैं। उसके बाजू से एक रेल गुजरती है। उस चलती ट्रेन पे क्रिस्टल चढ़ जाती है। उन्हें वहाँ और भी लोग मिलते हैं जो रेफ्यूजीज होते हैं। गैरी क्रिस्टल को बताता है कि ये रेफ्यूजीज है और कुछ भी नहीं। क्रिस्टल उस पर बिलीव नहीं करती। वो फिर रेलगाड़ी आगे जाकर कहीं पर रुक जाती है। वो सोल्जर रुकवाते हैं और उस गाड़ी की छानबीन करते हैं, सबको नीचे उतरते हैं। गैरी उन सोल्जर्स को बताता है कि ये सारे रेफ्यूजीज फेक है, पर वो सोल्जर बात नहीं मानते। वहाँ एक शख्स आता है और गैरी को बताता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग तुम्हारी बातों पर ध्यान देंगे, और वो कुछ बातें रिवील करता है, जैसे कि वो एक खुद हंटर है और उस हंट गेम में शामिल है, और बाकी के जो भी रेफ्यूजीज और सोल्जर्स हैं वो सब असली है। ये सब बातें सुनकर गैरी का दिमाग हट जाता है और वो उसके पॉकेट में बॉम्ब रख देता है, और उस पॉकेट में से बॉम्ब नहीं निकालने पर वो आदमी वहीं पे मर जाता है। उसके बाद वो सोल्जर्स क्रिस्टल को सोल्जर कैंप में ले जाते हैं। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो एक प्रिजनर था। वो क्रिस्टल से कहता है कि मैं यहाँ से कैसे तो भी भाग गया था। फिर वहाँ पे एक सूट बूट पहन के शख्स आता है और उन दोनों को अपनी कार में बिठा के ले जाता है। वो शख्स हंट ग्रुप की बहुत तारीफें कर रहा होता है। उससे क्रिस्टल को उस पर शक आता है और वो उसे मार देती है। वो आदमी जो दूसरा प्रिजनर था वो क्रिस्टल पर चिल्लाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसे क्यों मार डाला, क्योंकि वही एक जरिया था जो उन्हें वहाँ से निकाल सकता था बाहर। पर क्रिस्टल फिर गाड़ी की डिक्की चेक करती है, पीछे उसमें गैरी की लाश दिखती है। उससे वो प्रिजनर समझ जाता है कि वो भी एक हंट ग्रुप का ही मेंबर था। फिर उन्हें अच्छा लगता है कि उन्होंने अच्छा किया उसे मारकर, नहीं तो वो उन्हें मार देता क्योंकि वो हंट ग्रुप का ही मेंबर था। फिर वो दूसरा प्रिजनर क्रिस्टल से कहता है कि यहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स आए थे उन सब में से हम दोनों ही बचे हैं, बाकी सब मर गए हैं। फिर क्रिस्टल उससे कहती है कि जिसने भी हमें यहाँ फंसाया है मैं उसको मार कर ही रहूँगी। वो वहाँ पर उसको एक टर्टल और रैबिट की स्टोरी बताती है जो हम बचपन से सुनते आए हैं, पर उसका एंडिंग जो हम सुनते आए थे उससे काफ़ी अलग है। फिर हम उसी लोकेशन पे आ जाते हैं जहाँ पर हमने देखा था कि प्रिजनर्स को छोड़ा था। वहीं पे एक वुडन ब्लॉक होता है जहाँ पे हमने पिग वगैरह को देखा था। वहीं पे सभी हंटर्स रहते हैं, और वहीं पे और एक सीक्रेट लोकेशन दिखाती है जहाँ पे वो हंटर लोग ट्रेनिंग करते हैं, और वहाँ का ट्रेनर भी दिखाया गया है। वहाँ पर क्रिस्टल और वो आदमी पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें एक वो पिग का बच्चा मिल जाता है, जिसे वो लेकर वहाँ पर छोड़ देते हैं। उससे वो हंटर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सब उस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और चालाकी से क्रिस्टल अंदर घुस जाती है और सबको एक एक करके मार डालती है। हंटर्स का ट्रेनर अभी भी जिंदा होता है। दोनों में बहुत झड़प होती है, फिर उसमें भी क्रिस्टल कामयाब हो जाती है। तभी वहाँ अथेना का कॉल आता है। वो क्रिस्टल को गुमराह करने के लिए और उस आदमी को फंसाने के लिए वो ऐसा कहती है कि तुमने क्रिस्टल को अभी तक मारा है कि नहीं। वो बात क्रिस्टल सुन लेती है और वो उस आदमी को कुछ कहे बिना ही मार देती है। क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है जो अभी तक इंजर्ड होता है, मरा नहीं होता। उसके पास जाकर वो अथेना की लोकेशन पता करती है। अब बीच में मूवी के एक साल पहले की क्लिप दिखाई जाती है जहां हमें सारे रीजंस के आंसर्स मिल जाते हैं कि वो सब लोग हंटर्स क्यों बने। मूवी की स्टार्टिंग में हमने जो देखा था कि वो सब लोग अथेना और उसके ग्रुप मेंबर्स हंट की बातें कर रहे थे, दरअसल वो एक प्रैंक था। पर उन्होंने जिन लोगों को प्रिजनर्स बनाया था, क्रिस्टल और 11 लोग जो थे, जो प्रिजनर्स थे, उन लोगों ने वो बात लीक कर दी। उस वजह से अथेना और उसके बाकी मेंबर्स को जॉब छोड़नी पड़ी थी। ये इतना बुरा उन लोगों के साथ हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि अब ये इतना बुरा हमारे साथ हो ही गया है तो क्यों ना इसको सच्चाई में बदल दे, क्योंकि उन्हें उनसे बदला लेना था, क्रिस्टल और बाकी प्रिजनरों ने जिन्होंने उनकी न्यूज़ लीक कर दी थी, जो प्रैंक थी असल में। उस वजह से उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ गया था, उसी वजह से उन्हें एक बदला लेना था। अब क्रिस्टल अथेना के लोकेशन पर पहुंच जाती है। वो उसके घर पर पहुंच जाती है और अथेना वहां पर खाना बना रही होती है। अथेना क्रिस्टल से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और मैं तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड का मजाक भी उड़ाती हूँ,
उस पर क्रिस्टल कहती है कि तुम जिस क्रिस्टल को उठाना चाहती थी वो मैं नहीं हूँ, तुम किसी गलत क्रिस्टल को उठा लाए। उसके बाद उन दोनों में बहुत झड़प हो जाती है, वो एक दूसरे को बहुत मारती है। आखिर क्रिस्टल अथेना को मारती है और उसे घायल कर देती है और उसको मारने में कामयाब हो जाती है। फिर क्रिस्टल देखती है कि अथेना की डेड बॉडी के पास रैबिट बैठा हुआ है। और आखिर में क्रिस्टल ने जो कहानी बताई थी उसमें क्रिस्टल टर्टल थी और अथेना रैबिट थी, वो स्टोरी प्रूव हो जाती है। उसके बाद अथेना ने जो खाना बनाया हुआ होता है वो क्रिस्टल खाती है, उसी के कपड़े पहनती है। अथेना का डॉग लेकर उसकी प्राइवेट जेट में जाती है और वो पायलट को कहती है कि आप अब टेक ऑफ कर सकते हो, और मूवी ख़त्म हो जाती है।